अस्सलाम वालेकुम, मैंने मनवान, आप देख रहे हैं दी टेक्शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मैं क्विक अपडेट दे दूं। मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो से पहले मैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अनबॉक्सिंग को अपलोड कर दूंगा या फिर नहीं कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास फ़ोन आया नहीं है। लेकिन ये जो टेक्नो के दो हाई पोर्ट्स हैं ये मेरे पास आ चुके हैं और इनमें से मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैंने दोनों का गिव अवे करना है या फिर एक का करना है, क्योंकि एक का तो मैंने लाजमी करना है और जो दूसरा है मैं सोच रहा हूँ अपने पास रख लूँ, ताकि मैं फ्यूचर के अंदर जो दूसरे हमारे पास एयरपोर्ट वगैरह आएंगे उनके साथ एक का कंपैरिजन हम लोग कर लिया करें। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को दोनों गिवे चाहिए या फिर एक चाहिए, और जब भी वीडियो आएगी अनबॉक्सिंग वाली आप लोगों की इस वीडियो के नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके अलावा आप लोग गिवे के अंदर भी लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अभी कन्फर्म नहीं है, पता नहीं क्या सीन होगा, लेकिन आप लोग लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है स्मार्टफोन्स की सेल्स को लेकर। तो अभी रिसेंटली चाइना के अंदर रिपोर्ट सामने आई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कौन सी कंपनी ने सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन को चाइना के अंदर शिप किया, क्योंकि जो चाइना की मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो अगेन ओप्पो है वो टॉप के ऊपर है, उसने सबसे ज़्यादा क्वार्टर वन के अंदर स्मार्टफोन्स को चाइना के अंदर अक्रॉस शिप किया। दूसरे नंबर के ऊपर वीवो है, तीसरे नंबर के ऊपर शाओमी है और चौथे नंबर के ऊपर हुवावे और एप्पल काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है। अब एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ओप्पो है ना वो किस तरह टॉप के ऊपर है, क्योंकि अगर हम लोग देख लेते हैं ना शाओमी को, तो शाओमी चाइना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली चल रहा होता है। तो मुझे पर्सनल तौर पर लगता है कि शाओमी को पहले स्पॉट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ओप्पो की लाइनअप के ऊपर देखते हैं स्मार्टफोन्स की, तो वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होती, वो थोड़ी सी प्रीमियम होती है। तो मुझे लगता है कि चाइना की जो मार्केट है वो थोड़ी सी प्रीमियम फैक्टर की तरफ इन्वॉल्व है, लेकिन एट द सेम पॉइंट जो एप्पल है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है चाइना के मार्केट के अंदर। और अगर हम लोग ओप्पो को पाकिस्तान के अंदर देख लेते हैं तो ओप्पो मुझे लगता नहीं है कि पहले नंबर के ऊपर चल रही है, टेक्नो और इन्फिनिक्स आई थिंक पहले नंबर के ऊपर चल रही है अगर हम लोग बजट कैटेगरी को देख लेते हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स के अंदर कौन सी कंपनी की साइड के ऊपर जाती है। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली सैमसंग ने अपनी क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट की, जो फ़ोन लिस्ट है उसको अपडेट किया। उसके अंदर उन लोगों ने बताया कि इन फोन्स के अंदर क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी और उस लिस्ट के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A82 भी है, जो कि 5G वाला है, जो कि अभी तक सैमसंग ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो मींस के बहुत जल्द आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A82 है जो मार्केट्स के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आ जाएगा। और एक चीज़ ये कही जा रही है कि अभी रिसेंटली साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग ने जो क्वांटम 2 के नाम से स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको ही सैमसंग रीब्रांड करके डिफरेंट मार्केट्स के अंदर A82 5G के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएगा। अगर हम लोग उसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। वो जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेसिक लेवल का है। हम लोगों ने जो पहले रेंडर्स वगैरह को डिस्कस किया था वो मुझे लगता है कि स्लाइडिंग वाला या फिर रोटेटिंग टाइप का मैकेनिज्म अब सैमसंग यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि वो जो दौर था ना 2017-18 वाला क्रेजी सॉल्यूशंस को ट्राई करने वाला, कंपनीज मुझे लगता नहीं है कि उसके ऊपर अब ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंटेशंस करना चाह रही हैं। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है Mi 11 Ultra के रिलेटेड, तो Mi 11 Ultra नो डाउट काफ़ी एक कमाल की डिवाइस है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी उसके रिलेटेड जो मिक्स थॉट्स हैं लोगों के वो भी पाए जा रहे हैं, स्पेशली तौर पर कैमरा के बम को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज तक स्मार्टफोन्स के अंदर सबसे बड़ा कैमरा का बम हमें उसके अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर बैक साइड के ऊपर एक तो शाओमी ने काफ़ी बड़े बड़े कैमरा के सेंसर्स को यूज़ किया, प्लस एक छोटी स्क्रीन भी मिलती है। तो उसको लेके जो शाओमी के प्रेसिडेंट हैं और जो सीईओ हैं ली जंग, नाम पता नहीं मैं सही ले रहा हूँ, उन्होंने अभी रिसेंटली लोगों से ओपिनियन मांगी कि आप लोगों को बैक साइड के ऊपर हम लोगों ने जो स्क्रीन प्रोवाइड की आप लोगों को पसंद है या फिर नहीं है, मतलब कि आप लोग उसको सपोर्ट करते हो या फिर नहीं करते। और उन्होंने ये चीज़ भी ऐड की कि बैक साइड के ऊपर स्क्रीन लगाना इतना खास मुश्किल नहीं है, मतलब कि इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ नहीं होती, मटेरियल की कॉस्ट इतनी खास ज़्यादा नहीं है। एक इशू यही है कि बैक साइड के ऊपर जो स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब सीन यहाँ पर यह है कि लोगों को जो वेट है ना Mi 11 Ultra का इतना खास ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं है। और शाओमी की तरफ से ये भी स्टेटमेंट सामने आया कि हम लोगों ने स्मार्टफोन को डेडिकेटली डिज़ाइन किया है फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि आप लोग जब बैक वाले कैमरा के साथ इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर सेल्फीज को लोगे तो जो क्वालिटी निकल के आएगी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की ही होगी। तो आप लोगों के इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है कि आप लोगों के लिए इतना जो बड़ा कैमरा का बम्प है ये एडजस्टेबल है या फिर नहीं है, मतलब कि आप लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। पर्सनली तौर पर अगर मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही है फ़ोन के अंदर, इतना फ़ोन हाईली पैक्ड है, तो मुझे इतना खास फ़र्क पड़ता नहीं है वेट के साथ, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर गौर भी करते हैं ना तो
हम लोग जो नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं उनके अंदर जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग उसके साथ एडजस्ट हो ही जाते हो। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है हार्मनी ओएस और एंड्रॉयड के कंपैरिजन के रिलेटेड, तो जब से हुआवे ने हार्मनी ओएस के रिलेटेड बात करनी स्टार्ट किया तब से लेके हुआवे के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेज एंड्रॉयड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और ये क्लेम भी हम लोगों ने सुना है कि एज़ कम्पेयर टू हार्मनी ओएस नहीं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड हार्मनी ओएस जो है वो 60% ज़्यादा फास्ट है। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो सर्कुलेट कर रही इंटरनेट के ऊपर जिसके अंदर हुआवे के हार्मनी ओएस को कंपेयर किया जा रहा है एंड्रॉयड 11 के साथ। अपेरेंटली तो जो हार्मनी ओएस वो काफ़ी ज़्यादा क्विक और फास्ट में नज़र आ रहा है, जो ऐप्स की ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही है, लेकिन ये एक बीटा वर्जन है और यहाँ पर जो डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं वो दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं और जो स्टेबल वर्जन है हार्मनी ओएस का वो अभी तक आया नहीं है। तो लेट्स सी के जब पब्लिक के लिए हार्मनी ओएस को अवेलेबल किया जाता है जनरल पब्लिक के लिए तो वो किस तरह परफॉर्म करता है। और हम लोग जब एक ही डिवाइस के अंदर दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होंगे। लेकिन इस वीडियो के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो भाई जो अपेरेंटली हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें उनके अंदर तो हार्मनी ओएस काफ़ी ज़्यादा लीड लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर देखते हैं कि क्या फ्यूचर होता है हार्मनी ओएस का, क्योंकि चीज़ें इतनी खास ज़्यादा सिंपल नहीं है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। सिर्फ अगर आपकी एक ऐप 0.1 सेकंड जल्दी ओपन हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ब्लाइंडली स्मार्टफोन की तरफ चले जाएंगे, दूसरे भी जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है रेडमी के रिलेटेड, तो भाई रेडमी बहुत जल्द 5G स्मार्टफोन्स की गेम के अंदर घुसने वाला है टोटली तौर पर। अभी हमें रेडमी की तरफ से सिर्फ एक ही स्मार्टफोन मिलता है 5G जो कि नोट 10 5G है। अभी आई थिंक सिर्फ चाइना के अंदर मौजूद है, उसको काफ़ी ज़्यादा रेडमी रीब्रांड करने वाला है। लेकिन अभी रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि रेडमी नोट 10 प्रो का भी 5G वेरियंट बहुत जल्द लेके आने वाला। अभी एक पोस्टर भी लिख हुआ है जिसके ऊपर 5G को क्लियरली तौर पर मैंशन किया गया और ये चीज़ कही जा रही है कि इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 750G का जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल सकता है और ये वाला स्मार्टफोन बहुत जल्द आप लोगों को मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और जो दूसरी स्पेसिफिकेशन होंगी उनके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि वो सारी की सारी वही होंगी जो कि 4G वाले वेरियंट के अंदर, मतलब कि AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, बैक साइड के ऊपर 108MP का मेन सेंसर होगा। तो लेट्स सी इसकी प्राइस कितनी होती है, क्योंकि जो प्राइस का फैक्टर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिंट्स आ रही हैं कि रेडमी के 5G फ़ोन पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस फ़ोन को भी पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, लेकिन इसकी जो प्राइस होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अगर इसकी जो प्राइस है वो जाती है रेडमी नोट 10 जो प्रो है 4G वाला वेरियंट उससे ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि इस के रिलेटेड लोगों की जो अट्रैक्शन होगी वो इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो 5G अभी तक मौजूद नहीं है और इस रेंज के अंदर जो लोगों का बजट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को ये मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बात करें आज की हमारी आखिरी अपडेट की जो कि आ रही है अमेज़ॉन के रिलेटेड, जो कि काफ़ी कमाल की अपडेट है। तो भाई फाइनली पाकिस्तान अमेज़ॉन की जो सेलिंग लिस्ट वाली कंट्रीज़ हैं उनके अंदर शामिल हो चुका हुआ है, मतलब कि अब आप लोग पाकिस्तान से पाकिस्तान की आईडी और क्रेडेंशियल्स जो होते हैं उनको यूज़ करके, पाकिस्तान की सारी डिटेल को यूज़ करके अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ों को सेल कर सकते हो, जो कि काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन फाइनली वी आर हेयर। तो अगर आप लोग कोई भी चीज़ सेल करते हो तो आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर बहुत जल्द उसको सेल कर पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर आ रहा है कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन से चीज़ों को बाय कर सकोगे, मतलब कि ऑफिशियली तौर पर आ रहा है जिस तरह दराज वगैरह चल रहा है अभी तक पाकिस्तान से आप लोग बैठकर अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ों वगैरह को शिप कर सकोगे, जो डिटेल सामने आ रही है। लेकिन अगर ये काम हो गया तो फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग उस स्टेज के ऊपर भी लाजमी तौर पर पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी अमेज़ॉन टोटली तौर पर वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी सेलर्स वगैरह अगर कोई देख रहा है तो भाई वो करतूते ना कीजिएगा जो कि आप लोग दराज के ऊपर कर रहे होते हो, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट होती है वहाँ पर आपका जो इमेज होता है वो काफ़ी मैटर कर रहा होता है। और ये ना हो कि आप फिर 2 महीनों के बाद उसी स्टेज के ऊपर आ गए हो जिस स्टेज के ऊपर आप लोग पहले थे, मतलब कि जो अमेज़ॉन के रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह ने आपको जो मौका दिया उससे आप लोग ईमानदारी से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि जब आप लोग ग्लोबल मार्केट के अंदर जाओगे आपका जो कंपटीशन होगा वहाँ पर वो भी ग्लोबल होगा, तो वहाँ पर ये जो आप लोग चीटा पार्टियाँ वगैरह लगाओगे वो आपकी चलेंगी नहीं, तो अपने मतलब लिमिट्स के अंदर ही रहिएगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी, वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो, लाजमी तौर पर जो लिंक है उसको चेक कर लीजिएगा, मैं कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट वगैरह कर लो। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।